अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अल्जेब्रिक फार्मूलास पढ़ेंगे। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अल्जेब्रिक फार्मूलास के लिए हम कुछ और टर्म पढ़ेंगे ताकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में हमारे लिए हो आसानी हो। तो आज चलते हैं वो टर्म पढ़ते हैं। जिस तरह आपने क्लास सेवन्थ एट में पढ़ा होगा कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा। तो थोड़ा रिव्यू करते हैं, फिर इसके बाद अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। अगर मैं लिख लूँ फाइव और यहाँ मैं लिख लूँ एक्स और इधर ले लूँ पावर टू, तो अब इस फाइव को क्या कहते हैं, इस एक्स को क्या कहते हैं, इस टू को क्या कहते हैं और इसका डेफिनेशन हम करें और इस फिर इसके बाद हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस फाइव को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट। दूसरा ये फाइव के कांस्टेंट है लेकिन यहाँ क्या है, वेरिएबल के साथ है, तो हम कहते हैं वेरिएबल। तो इस फाइव को हम दूसरा नाम देते हैं कोएफिशिएंट। क्या इस एक्स को हम कहते हैं बेस, या ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। और जो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं लेटर, क्या लेटर, और इसको क्या क्या कहते हैं, पावर, या इसको हम जो मोजो नाम इसका जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। यह जो है इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, टू है, तो इसलिए इसको हम डिग्री भी कहते हैं। क्या डिग्री, या यहाँ पास क्या है, इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्स। इस तरह पावर टू को मैथमेटिक्स वाले क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्या तो यह हमारे पास स्क्वायर भी है। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो, नॉन हो, या जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, या जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ सिंबल व्हिच वैल्यू फिक्स्ड, व्हिच वैल्यू इज अ फिक्स्ड, इसके लिए क्या हो, फिक्स्ड हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 के लिए क्या है, फिक्स्ड है, 5 है, चेंज नहीं होता, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह -5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह 11/3 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, इसके लिए क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। मतलब क्या है, ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, तमाम के तमाम नंबर, सब के सब नंबर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हम इससे पर क्या है, फिर हमने नंबर क्यों नहीं किया, वो इस वजह से अगर मैं लिखूं 5, क्या 5, इसको क्या कहते हैं, 5, और एक ये है, इसको भी 5 कहते हैं, लेकिन ये टी एच है, 5। इस 5 के लिए क्या है, तकरीबन 22/7, ये जो एप्रोक्सीमेटली इक्वल है कि के 3.14। अब ये फाइल क्या एक सिंबल है कि नहीं, ये सिंबल है कि नहीं, सिंबल है, लेकिन इसका वैल्यू तो फिक्स है, 22/7, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये सिंबल है लेकिन स्टिल ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को समझो कि कांस्टेंट क्या है, ऐसा सिंबल जिसके लिए क्या हो, फिक्स्ड। क्या आप देखे होंगे ई हमारे पास क्या है, अगर ई का वैल्यू है 2 point something, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सर अगर के का वैल्यू हमें मालूम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ये पढ़ते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या है,
जब कोई कांस्टेंट जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ या इंक्रीमेंटल के साथ या वेरिएबल के साथ क्या हो कनेक्टेड हो या मल्टीप्लाई हो या इस तरह अननंबर बिफोर वेरिएबल इसका अर्थ कांस्टेंट या तभी के साथ है अननंबर या कांस्टेंट या अननंबर कांस्टेंट अच्छी डिफिनेशन इस तरह होनी चाहिए कांस्टेंट अगर कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे कोएफिशिएंट कहेंगे ठीक है अब कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस है ये हमारे पास क्या है पाई हमारे पास क्या है कांस्टेंट है कि नहीं अब अगर इस कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल लेंगे तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे कोएफिशिएंट तो मतलब नहीं कि जब हम कहें कोई विषय है तो ये अंडरस्टूड है कि ये कांस्टेंट होगा होगा अब इसे हम एक और बात भी अक्स कर सकते हैं कि एवरी कोएफिशिएंट इज आल्सो कांस्टेंट बट एवरी कांस्टेंट इज नॉट अ कोएफिशिएंट ठीक है जब हम कहें कोएफिशिएंट तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है कांस्टेंट है लेकिन किसके साथ कनेक्टेड है वेरिएबल ठीक है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बीच में आपने डिफरेंस देखा अब वेरिएबल का क्या मतलब है वेरिएबल देखो वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या है चेंजेबल ऐसा सिंपल जिसका भी क्या हो चेंजेबल जिसका भी अनफिक्स्ड हो जिसका भी अननोन हो किस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख लूं x plus 2 equal to 5 या इस टेबल क्या मैं फुट कर लूं अगर मैं 2 के साथ ऐड कर लूं 5 आ जाए 3 अब अगर मैं इस तरह लिख लूं x plus 2 is equal to 9 या हमें इस टेबल क्या फुट कर लूं कि मैं 2 के साथ ऐड कर लूं 9 आ जाए 7 इस तरह अगर मैं लिख लूं x plus 5 equal to 20 तो या इस की जगह मैं कौन सा वैल्यू फुट कर लूं ये पाँच साथ ऐड कर ले 20 आ जाए 15 देखिए यहाँ x के मिल क्या है 3 है या x के मिल क्या है 7 और या x के मिल क्या है 15 तो x के मिल क्या है चेंज हो रहा है या अनफिक्स्ड है मतलब फिक्स नहीं है कभी x के मिल 3 आता है कभी x के मिल 15 आता है कभी x के मिल 7 आता है कभी और मतलब नंबर आएगा तो इस वजह से ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो अननोन हो या अनफिक्स्ड हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल या चेंजेबल हो समझ में तो असिंबल असिंबल व्हिच वी न्यू इज अनफिक्स्ड इसका वैल्यू क्या हो अनफिक्स्ड हो या अननोन हो या चेंजेबल हो तो ऐसे पर हम कहते हैं वेरिएबल याद रखिए वेरिएबल वेरिएबल हम क्या क्या ले सकते हैं वेरिएबल हम ले सकते हैं आर अल्फा बेस ले सकते हैं ए ले सकते हैं बी ले सकते हैं सी अप टू जेड या जेड लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट में हम वेरिएबल एक्स लेते हैं फिर वाई और फिर जेड वेरिएबल की जगह हम सर्कल ले सकते हैं वेरिएबल की जगह हम बॉक्स लिख सकते हैं वेरिएबल की जगह हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं कोई भी सिंबल हम लिख सकते हैं जिसका भी क्या हो अननोन हो तो वो हमारा क्या होगा वेरिएबल अगर मैं लिख लूं सपोज अगर मैं इस तरह लिख लूं 2 y plus 3 y तो यहां ये जो y है ये क्या किसका रूट अप्लाई करता है वेरिएबल मतलब किसका रूट अदा करता है वेरिएबल है ना y क्या है वेरिएबल है और q क्या है कोएफिशिएंट है ठीक है अब अगर वेरिएबल में तो हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं लेकिन अगर वेरिएबल में हमने सिर्फ इंग्लिश का लीटर यूज किया तो फिर इसको हम कहते हैं लेटर कहते हैं लेटर तो मतलब हर लेटर वेरिएबल है लेकिन हर वेरिएबल लेटर नहीं है
अब अगर मैं इस तरह देखो 2 plus x equal to 5 तो यह x जगह क्या है 3 है अब मैं इस तरह x की जगह इस तरह भी लिखता हूँ 2 plus box equal to 5 तो यहाँ वेरिएबल क्या है ये box है तो ये वेरिएबल है लेकिन लेटर नहीं है ये वेरिएबल भी है और लेटर भी है तो इस वजह से हम कहते हैं कि हर लेटर वेरिएबल है लेकिन हर वेरिएबल लेटर नहीं है एवरी लेटर इज आल्सो वेरिएबल बट एवरी वेरिएबल इज नॉट अ लेटर अब आते हैं ये हमारे पास क्या है 5 अगर इस 5 को मैं x के साथ कनेक्ट कर लूं तो इस 5 को हम क्या कहते हैं कोएफिशिएंट 3 5 के अगर इस पर इधर मैं पावर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा बेस तो मतलब ये है कि हम देखेंगे मतलब मिस में हम फंक्शन की वजह से नाम देते हैं यही 5 अगर x के साथ मिलता है तो कोएफिशिएंट होगा यही 5 पे अगर हम पावर लेते हैं तो क्या होगा बेस होगा यही 5 पे अगर हम अलहदा लेंगे तो फिर क्या होगा कांस्टेंट तो अगर मैं इस इक्वेशन दे दूं 3x स्क्वायर प्लस 17 तो यहां कोएफिशिएंट क्या है कोएफिशिएंट 3 है और यहां कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट और अगर बेस क्या है या वेरिएबल क्या है लेटर क्या है वो x है तो कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट अब पावर के क्या मतलब है पावर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो पावर के क्या मतलब है देखो अगर मैं लिख लूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये चीज क्या है पावर है ये चीज क्या है पावर मतलब पावर का मतलब ये है कि एक बेस अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है यानी पावर शोज दैट हाउ टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ तो बेस अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है 5 टाइम 1 2 3 4 5 तो इस को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट तो क्या कहते हैं एक्सपोनेंट यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट Representation of power is called exponent. तो power का मतलब क्या है? Power means power means that how time the base is multiplied with itself. पावर का मतलब क्या है कि बेस अपने साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है तो बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है 5 टाइम तो इस पावर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर दे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड क्या एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर है पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम पावर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंट कहेंगे इस तरह अगर हम लिख दें 2 पावर 3 क्या ये मतलब इक्वल है 3 पावर 2 के ये इक्वल है नहीं तो नहीं क्योंकि इसका मतलब है कि बेस कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर लो 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका मतलब क्या है कि बेस की टाइम मल्टीप्लाई कर लो 2 टाइम तो 2 2 4 4 2 8 और यहां क्या 3 3 9 तो 8 9 की इक्वल नहीं है इसलिए ये इक्वल नहीं होगा ये भी इक्वल नहीं होगा तो ये था पावर और एक्सपोनेंट डिग्री क्या है डिग्री के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डिग्री क्या है डिग्री किसे कहते हैं आपको पता है डिग्री अगर मैं लिख लूं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 17x प्लस 165 अब ये पावर है ये हमारे पास क्या है पावर
ये भी क्या है पावर है यहाँ भी पावर है लेकिन वन है यहाँ भी पावर है लेकिन क्या है जीरो है जीरो याद रखो अगर मैं कहूँ एक्स अब इस शब्द की भी साइन नहीं है तो इस शब्द हमेशा कौन सा साइन होगा प्लस साइन लेफ्ट साइड यहाँ इसका कोई भी मतलब कोएफिशिएंट नहीं है तो हमेशा क्या होगा एक साथ वन होगा वन कोएफिशिएंट होगा जब कोई कोएफिशिएंट ना हो तो एक साथ हमेशा वन कोएफिशिएंट होगा अगर मैं कहूँ बुक तो इसका मतलब क्या है ये अंडरस्टूड है कि वन बुक अगर मैं कहूँ फैन तो इसका मतलब क्या है वन फैन ये अंडरस्टूड है अगर मैं कहूँ एक्स तो इसका मतलब है कि वन एक्स तो याद रखिए अगर किस साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो इसका हमेशा वन कोएफिशिएंट होगा एक इसका पावर कोई भी नहीं है तो इसका पावर हमेशा 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी हमेशा एक 1 होगा तो ये याद रखें अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होगा दूसरे इस साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ हमेशा प्लस साइन होगा तीसरे इसका जो पावर है अगर किसी वेरिएबल पर कोई पावर ना हो तो इसका पावर हमेशा 1 होगा और तीसरा अगर किसी वेरिएबल डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा ठीक है और दूसरा ये कि किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका हमेशा यहां x होगा मल्टीप्लाई होगा और इसके पावर क्या होगा 0 और आप ये पता है किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो हमें किसके बराबर होगा 1 बराबर ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा लेकिन याद रखिए x 0 नहीं होगा x not equal to 0 0 के बराबर नहीं होगा मतलब ये 0 पावर 0 not equal to 1 ये गलत है अनडिफाइंड है ठीक है लेकिन अगर मैं लिखूं 5 की पावर 0 या 7 की पावर 0 तो ये सारे क्या होंगे या कोई भी नंबर हो 1 के बराबर होगा ठीक है दूसरे है आपने ये भी पढ़ा होगा अगर मैं लिखूं 5x तो इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसके बीच में हमेशा कौन सा साइन होगा ये भी पावर है हाईएस्ट पावर यहां क्या है इसमें 3 सबसे ज्यादा पावर 3 है तो मैथमेटिक्स वाले ने इस पावर को हाईएस्ट पावर को एक नाम दिया क्या डिग्री क्या डिग्री इसका डिग्री क्या है 3 तो इसका मतलब क्या है कि हर डिग्री पावर है एक्सपोनेंट है लेकिन हर और पावर या एक्सपोनेंट ये डिग्री नहीं होगा क्योंकि डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर को कहते हैं यहां ये पावर है लेकिन ये डिग्री नहीं है ये पावर है एक्सपोनेंट है एक्स है लेकिन ये डिग्री नहीं है ये पावर भी है एक्सपोनेंट भी है लेकिन चूंकि ये हाईएस्ट है इस वजह से यहां पास क्या है डिग्री भी है ठीक है तो ये आपने पढ़ा कि मतलब कि कांस्टेंट क्या है कोएफिशिएंट क्या है वेरिएबल क्या है बेस क्या है अब कुछ एग्जांपल करते हैं अगर मैं लिख लूं 3x स्क्वायर 5 इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 डी में 5 सी में 13 और डी में नॉन ऑफ दिस तो क्या है 3 15 है क्यों इसको मैं सरल ही सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं 3 5 सर 15 एक्स स्क्वायर तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 13 देखो मैथमेटिक्स में हम जवाब कब देंगे जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें सिंपलीफाई कर दें सिंपलीफाई के बाद आप क्या करेंगे इसका जवाब देंगे कि ये कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है या नहीं है ठीक है अगर मैं लिख लूं 24 x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 तो इसका कोएफिशिएंट क्या है a में 24 b में 6 c में 1/6 और d में 4 तो इसका कोएफिशिएंट क्या है पहले सिंपलीफाई कर लो इसके बाद इसका जवाब ले लो क्या है अगर मैं इसको डिवाइड करूं 6 1 6 6 4 24 तो 4 आता है तो 4 क्या है ये इसका कोएफिशिएंट ठीक तो इसरा आप क्या करेंगे
मतलब क्वेश्चन को देखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, फिर इसके बाद इसके क्या करेंगे जवाब देंगे। तो अब क्या करते हैं, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा क्या है, फिर अलजेब्रा की दो की डिग्रीज है, एक अलजेब्रिक सेंटेंस है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इंशाल्लाह दो बार अलजेब्रिक सेंटेंस फिर भी देंगे और फिर इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इंशाल्लाह, और लेक्चर में हम इस सारे चैप्टर को कवर करेंगे।